हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टू कलर का निटिंग पैटर्न जो बहुत ही सुंदर लगता है बच्चों के स्वेटर में। आप लेडीज़ कार्डिगन में और बेबी फ्रॉक में डाल सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है बनाने के बाद। बहुत ही सिंपल है, इसे बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। जो लोग दो कलर का स्वेटर बनाना चाहते हैं और डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल डालना चाहते हैं, उनके लिए ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। देखिए, सबसे पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और उसके बाद हमें जो हमारा बेस कलर है स्वेटर बनाने के बाद, ये आप दो तीन चार कितने भी कलर में बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा फंदा अपना बुन लिया और उसके बाद हम पांच फंदे बुन लेंगे। ये देखिए, पांच फंदे बुनने के बाद फिर से हमें एक फंदा ब्लू कलर का बुनना है। इसमें हमने दो कलर लगाए हैं, ब्लू और येलो। तो देखिए किस तरीके से ये डिज़ाइन बनता है। पांच कलर हमने, पांच धागे हमने येलो कलर से लिए हैं, पांच फंदे और एक पांच फंदे येलो कलर से और एक फंदा हमारा ब्लू कलर का है। देखिए इस तरीके से लास्ट का फंदा हम येलो कलर से बना लेंगे। इस तरह से हमने ये पूरी जो रो है कंप्लीट कर ली है। अब देखिए डिज़ाइन की दूसरी रो है। अब देखिए दूसरी रो में जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा ही हम बना लेंगे। ये डिज़ाइन की हमारी दूसरी रो है। दूसरी रो में जो फंदा हमें जैसे दिख रहा है वैसा भी हमने बना लिया है उल्टी रो। अब देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन की हमारी तीसरी रो। स्टार्टिंग में जो फंदे हैं हमारे, सबसे पहले हम अपना एक्स्ट्रा फंदा बुन लेंगे और आप इसे बुन भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ से पांच फंदे लिए थे तो हम यहाँ पे चार फंदे अपने बुन लेंगे। अब देखिए जो हमारा चार फंदे बुनने के बाद अब हमारा पांचवा फंदा जो है देखिए पांचवा फंदा हमें यहाँ से ब्लू कलर का लेना है इस तरीके से। और ये जो पहले से ब्लू कलर था इसको भी हमें ब्लू कलर ही लेना है। देखिए इस तरीके से, और ये वाला फंदा भी हमें ब्लू कलर का लेना है। और बाकी अभी हमारे यहाँ पर पहले हमारे पांच फंदे थे तो अब बीच में हमारे इधर तीन फंदे बच जाएंगे। इधर ये वाला जो फंदा है ये भी हमारा ब्लू का रहेगा और बीच वाला जो पहले से ब्लू है वो भी ब्लू रहेगा और साइड में एक और ब्लू हो जाएगा। देखिए, लास्ट वाला फंदा भी हम ब्लू बना लेंगे इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें ये उल्टी सिलाई है, जो फंदा में जैसे दिख रहा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे। तीन फंदे हमारे यहाँ पे ब्लू के हैं और तीन फंदे हमारे यहाँ पे येलो कलर के हैं। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है।
ये तीन फंदे ब्लू कलर और तीन फंदे हमारे येलो कलर। पूरी सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब डिज़ाइन की ये सीधी सिलाई है और वैसे पांचवी रो है ये हमारी। देखिए अब किस तरीके से हमें चैन को, देखिए अब हमारे हम यहाँ से तीन फंदे थे हमारे येलो कलर के, चार रह गए थे। अब एक्स्ट्रा फंदे के बाद अब हमें ये पांचवा फंदा जो है, ये देखिए चौथा फंदा, ये भी हम ब्लू कलर से बना लेंगे। और जो बाकी के ब्लू कलर के फंदे हैं, और एक साइड से इधर से हम ब्लू कलर से फंदा ले लेंगे। अब ये हमारे पांच फंदे ब्लू कलर के हैं और एक फंदा हमारा बीच में येलो कलर का है। देखिए इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हुए एक फंदा येलो कलर, अब देखिए फ्रेंड डिज़ाइन की ये छठी रो है। अब इसमें हमें दो फंदे, हमारे ये पांच फंदे हैं ब्लू कलर के, अब दो फंदे हमें ब्लू कलर के रखने हैं और एक फंदा हम इधर बीच में येलो कलर का ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इस डिज़ाइन, इस सिलाई को हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। अब हमारे जो हमारे पाँच फंदे थे उसमें हमने एक बीच में येलो कलर लगा लिया और एक हमारा पहले से ही बीच में येलो कलर है, उसको भी हमें येलो कलर का ही रखना है। तो आप ये डिज़ाइन किसी भी कलर में डालें, बहुत ही सुंदर लगेगा डालने के बाद। जो हमारे पांच फंदे हैं ब्लू कलर के, उनमें से हमें एक येलो कलर का बनाना है। अब जो पहले से हमारा येलो कलर है वो येलो कलर का ही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिज़ाइन हमारा बन गया। अब हमें इसमें जो हमारी ये दूसरी सीधी रो है, इसे हमें सभी फंदे येलो कलर से बना लेने हैं। इसमें हमारा कोई भी फंदा ब्लू कलर का नहीं होगा। देखिए इस तरीके से, अब देखिए उल्टी सिलाई भी हम ऐसे ही येलो कलर से ही बना लेंगे। पूरी उल्टी रो जो है हमें इसी तरह से बनानी है। देखिए फ्रेंड्स ये हमने दो रो येलो कलर से बना ली हैं। अब इसी तरह से आप एक और सीधी और एक उल्टी दो रो बनाने के बाद
तो देखिए फ्रेंड्स, चार सिलाई बुनने के बाद ये जो हमने प्लेन सिलाई बनाई है येलो कलर से, इसके बाद बुनने के बाद इस डिज़ाइन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर आपको इसी के ऊपर से डिज़ाइन शुरू करना है तो आप वहीं से ही ये वाला फंदा देख कर डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये डिज़ाइन पलट के बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगी देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहला फंदा मैं एक्स्ट्रा ऐसे ही उतार लूँगी और दो फंदे येलो कलर से बनाने हैं। और देखिए जो जहाँ पर हमारा डिज़ाइन ख़त्म होता है इस कलर का ब्लू वाले का, तो उसके पास वाला जो फंदा है वो हमें ब्लू बनाना है। देखिए अब हमें पांच फंदे येलो कलर से बनाने हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप अच्छे से डिज़ाइन को सेट कर लेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए वही पांच फंदे बीच में हमारे आ गए और डिज़ाइन हमारा बिल्कुल सही सेट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें पांच फंदे येलो कलर का और एक फंदा ब्लू कलर का। देखिए फिर से पांच फंदे हमें येलो कलर के, साइड में आपके पांच छह सात जितने भी बच जाते हैं डिज़ाइन सेट करना होता है हमें। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन सेट होगा और फिर हमें ऐसे ही जैसे हमने यहाँ से नीचे से अब की बार हमारे ये तीन फंदे हो जाएंगे, फिर इधर से भी हमारे तीन फंदे हो जाएंगे और इधर से भी, तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन आगे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन इस तरह से रिपीट होगा। आप इसे कई तरह से रिपीट कर सकते हैं, आप ऊपर इसके ऊपर भी रिपीट कर सकते हैं, इससे बिल्कुल जोड़कर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज आपको ये वीडियो और कैसा लगा डिज़ाइन बताने का तरीका, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखा करें, हमें भी कुछ सपोर्ट मिलेगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ।